कोरोना महामारी के लॉकडाउन में सब परेशान है सबको इंतजार है तो किसी गुड न्यूज का तो आज हम आपके लिए कुछ गुड न्यूज और सावधानी बरतने वाली खबर लाए हैं सब सोच और पूछ रहे हैं कि क्या चौदह अप्रैल के बाद लोग आजाद घूम पाएंगे जैसे कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले घूमते थे डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया स्कूल जहाँ है अकेडमिक स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन इस वक्त सभी के मन में ये सवाल चल रहा है और पी इंडिया को अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के रिजल्ट से संतुष्ट है और तमाम पहलुओं पर विचार विचार कर 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 हर मुमकिन कदम उठाने पर पर रही है जिस पर फैसला 10 अप्रैल के बाद कर लिया जाएगा जानकारी के मुताबिक सरकार का प्लान यह है कि लॉकडाउन अलग अलग फेज में हटाया जाए यानी जैसे 24 मार्च की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक साथ 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था उस तर्ज पर 14 अप्रैल के बाद पूरे देश से एक साथ लॉकडाउन खत्म होने की संभावना नहीं है दरअसल इस पर सरकार की योजना है यह है कि जो इलाके कोरोना वायरस से संक्रमित है वहाँ लॉकडाउन जारी रखा जाए यानी देश के वो इलाके जहाँ जहाँ से कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं और भविष्य में वहाँ कोरोना के फैलने की आशंका है वैसे इलाकों में लॉकडाउन जारी रखने की सरकार योजना है हालांकि ये मुमकिन है कि 14 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए लेकिन सरकार ने कोरोना की मार से बचाव के लिए इसका वैकल्पिक रास्ता भी तैयार कर लिया है सरकार इस बात की योजना बना रही है कि लॉकडाउन हटाए जाने की स्थिति में भी धारा एक को लागू रखा जाए ताकि भीड़ के जमा होने पर लगाम लग सके और कोरोना के फैलने का खतरा लॉकडाउन के बाद भी ना बढ़े वहीं रेल और हवाई यात्रा को लेकर भी सरकार ने मंथन किया है सूत्रों के मुताबिक रेल और हवाई सेवा पर रोक 14 अप्रैल के बाद भी जारी रह सकती है और जानकारी के मुताबिक 30 अप्रैल तक ये दोनों सेवाएं बंद रखी जा सकती है इसके अलावा बस सेवा भी बंद रखने का भी सरकार का प्लान है साथ ही प्राइवेट गाड़ियों पर भी रोक जारी रखने की योजना फिलहाल नजर आ रही है वहीं इक्कीस दिन के लॉकडाउन खत्म होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है केंद्र और राज्य सरकारें भी आगे की प्लानिंग में जुटी हुई है सूत्रों की माने तो 14 तारीख को अगर लॉकडाउन खुलता है तो कुछ शर्तें भी लगाई जाएंगी यानी कि आपको बाहर जाने की इजाजत तो होगी लेकिन उस पर कुछ नियम लागू होंगे इसके अलावा कोरोना के बने इलाकों में सख्ती सख्ती से लॉकडाउन जारी रह सकता है और वहां बरती जा सकती है वहीं कोविड 19 को लेकर बने मंत्री समूह की मंगलवार को जो बैठक हुई थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले इस समूह ने ऑड इवन लागू करने की यातायात को सार्वजनिक साधनों में लोगों की संख्या तय करने जैसे सुझाव शामिल किए हैं मंत्री समूह ने यह भी सिफारिश की है कि मॉल और स्कूल 15 मई तक बंद रखे जाएं और फिलहाल धर्मस्थलों पर रोक जारी रहे इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ इलाकों के लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त दी भी जाती है तो उन पर शर्तें लागू रहेंगी मसलन वाहनों को ओडीवन की तर्ज पर इजाजत दी जा सकती है यह फार्मूला दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के बाद लागू किया गया था और इसके साथ ही कार में सवार लोगों के लिए लिमिट भी तय कर दी गई थी वहीं 14 अप्रैल के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य आप बिना किसी रोक टोक के जा सके इसकी संभावना भी फिलहाल बेहद कम है हमारे सूत्रों के मुताबिक स्टेट बॉर्डर खोलने का फिलहाल सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अलावा ट्रेन मेट्रो और फ्लाइट का सफर फिर शुरू होने का रास्ता भी दूर ही दिखाई देता है हालांकि सरकार केमिस्ट किराना स्टोर के साथ साथ कुछ और ज़रूरी जो चीज़ों की दुकानें हैं उनको खोलने में छूट दे सकती है लेकिन इसमें भी कोरोना के हॉटस्पॉट और शहरों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे वहीं राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने की शुरुआत भी कर दी है सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि सभी हाईवे पर चालीस किलोमीटर की दूरी में ढाबे खोलने की इजाज़त होगी इसके अलावा पंचर वाले मैकेनिक और मोटर ऑटो पार्ट्स की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी जारी आदेश के मुताबिक राज्य में ई कॉमर्स कंपनियां होम डिलीवरी कर सकेगी और इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गोदाम और वेयरहाउस खोलने की अनुमति भी दी जाएगी इसके अलावा आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक दवाओं की अस्पतालों में आपूर्ति होती रहेगी कृषि उपकरण फर्टिलाइजर खाद बीज की दुकान के काम में आने वाले पार्ट्स की सप्लाई भी जारी रहेगी वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एकदम से लॉकडाउन हटाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है सीएम गहलोत के मुताबिक अचानक लॉकडाउन खुला तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा इसीलिए केंद्र सरकार हालात के हिसाब से लॉकडाउन की प्लानिंग के साथ हटाए तो बेहतर रहेगा